नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSE ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों, आज के आप लोग की इस क्लास में आज हम यहाँ पर SSC MTS 2019 का मल्टीटास्किंग स्टाफ में प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। ये जो पेपर है आप लोग का, ये हेल्ड हुआ था आप लोग का 22 सितंबर 2017 को, सिर्फ फर्स्ट का एग्ज़ाम पेपर है, जिसमें से आज हम इसमें जनरल नॉलेज का कंप्लीट पेपर सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस क्लास को। इससे पहले यदि आप लोग अपने चैनल BSE ट्रिकी क्लासेस पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अब ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को, आइए देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये जो आपका पेपर है SSC MTS 2017 री एग्ज़ाम पेपर, हेल्ड ऑन 22 सितंबर 2017, सिर्फ फर्स्ट सामान्य जानकारी। तो आइए, हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। फिलहाल जैसे कि क्वेश्चन ID 76 नंबर पर आपको दी गई है, निम्नलिखित में से कौन विनिमय का जो, ठीक है, माध्यम कहलाता है, धन, फसल, सोना या फिर जमीन, क्या होगा इसका राइट आंसर, ये आपको बताना है। कौन सा विनिमय का माध्यम है? तो विनिमय का जो माध्यम है वर्तमान समय में क्या है, ये आप लोग का धन है, ठीक है। पहले से पहले क्या होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, आप लोगों ने सुना होगा, एक वस्तु के बदले आप लोग को दूसरी वस्तु मिलती थी। लेकिन इस समय दोस्तों क्या है, धन के बदले में आपको वस्तु मिलती है। तो दोस्तों इस समय जो है विनिमय का जो माध्यम है वो क्या है, वो है आप लोग का धन। चलिए क्वेश्चन ID 77 पे अब आपको यहाँ पर बताना है, जैसे कि आप लोग का 77 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, किस प्रकार की आवश्यकताओं में दोनों पक्षों को एक दूसरे से वस्तुएं बेचने तथा खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है, एकल संयोग, दोहरा संयोग, तेहरा संयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ पर यह बताना है कि किस प्रकार की आवश्यकताओं में दोनों पक्षों को एक दूसरे से वस्तुएं बेचने तथा खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है। तो फिलहाल दोस्तों आपको बता दें, इसका जो आप लोग का राइट आंसर है ये है दोहरा संयोग। क्या है राइट आंसर इसका? राइट आंसर है दोहरा संयोग। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ये रहा आप लोग के सामने संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन, ये आया था आपके एग्जाम में, क्वेश्चन ID 78 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के जो है अंग है, कौन से भारत सरकार के अंग है, विधायिका या फिर न्यायपालिका? तो केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। तो आपको दोस्तों यहाँ पर बता दें, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, विधायिका और न्यायपालिका ये दोनों ही भारत सरकार के अंग है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों, ठीक है, क्योंकि विधायिका और न्यायपालिका दोनों ही हमारे भारत सरकार के अंग हैं। अगला क्वेश्चन ये भी आप लोग का संविधान से ही है, भारतीय संविधान के तहत भाग 4 के ए पार्ट में कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए? तो दोस्तों ये हैं 11। देखिए, जब संविधान का निर्माण हुआ था उस टाइम हमारे जो मौलिक कर्तव्य थे उनकी संख्या 10 थी, वर्तमान समय में ये संख्या जो है 10 से बढ़कर अब 11 कर दी गई है। अब आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दोस्तों, ये 10 से संख्या जो 11 कर दी गई किस संविधान संशोधन के तहत की गई है, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ये रहा आप लोग के सामने, कुशाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? दोस्तों अब आपको यहाँ पर ये बताना कि कुशाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, अश्वघोष, कनिष्क, हिरायोश या फिर वानयोंग? तो ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, इसका राइट आंसर है कनिष्क, ठीक है। तो दोस्तों कुशाणों का सबसे जो प्रसिद्ध राजा था ये कौन था? तो ये था आप लोग का कनिष्क। कनिष्क जो था कुशाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा था, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन ID 81 पर आपको क्या दिया गया, किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी किया था? तो ये कौन सा मुगल बादशाह है ये आपको बताना है। दोस्तों इन्होंने क्या किया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको बिना ही कोई चार्जेस के, ठीक है, व्यापार करने का सीधे फरमान जारी कर दिया कि आप लोग यहाँ पर आइए और व्यापार कीजिए, कोई भी किसी प्रकार का आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो ये कौन से मुगल बादशाह थे, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर या फिर शाह आलम? तो ये है आप लोग के औरंगजेब, यानी कि आपका सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आप लोग का जियोग्राफी का आया है, यहाँ पर क्वेश्चन ID 82 में, 90° दक्षिणी अक्षरांश जो है क्या दर्शाता है, दक्षिण ध्रुव को, उत्तर ध्रुव को, विषुवत व्रत को या फिर मुख्य या उत्तर को? तो दोस्तों आपको बता दें ये दर्शाता है दक्षिण ध्रुव को, जो 90 डिग्री का जो दक्षिणी अक्षांश है
अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पर जो है ग्लोब देखेंगे, तो ग्लोब पर जो आप लोग का 90 अंश दक्षिणी अक्षांश है, ये क्या दर्शाता है? तो ये दोस्तों आप लोग का जो दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है आपका, आपको पता होना चाहिए, दर्शाता है दक्षिण ध्रुव को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या दिया गया है। पृथ्वी की सतह से पानी से ढके भाग को क्या कहते हैं? भूमंडल, वायुमंडल, जीव मंडल या फिर जल मंडल। पृथ्वी की सतह से पानी के ढके भाग को कहते हैं हम लोग यहाँ पर जल मंडल। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं जल मंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या दिया गया। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा धात्विक आयन जो है वो आवश्यक है? आपको दोस्तों यहाँ पर यह बताना है कि रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा धात्विक आयन जो है आवश्यक है? तो ये है आप लोगों का दोस्तों Ca++। ठीक है, तो ये आप लोग का यहाँ पर दिया गया है, कैल्शियम है ये। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या दिया गया। वयस्क मानव के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप सभी लोग जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? जैसा कि आप सभी लोग इसका आंसर जानते ही हैं, मानव शरीर के जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह है आप लोग की यकृत। ठीक है, चलिए दोस्तों अब मुझे आप लोग बताइएगा यहाँ पर क्या दिया गया है। बल जो है वो किसी वस्तु के परिवर्तन ला सकता है, किस में? उसकी चाल में, उसकी दिशा में, उसकी आकृति में, या फिर सभी विकल्प सही है। जो बल है, कोई भी अगर फोर्स लगाते, कोई भी जैसे कि मान लिया दोस्तों कोई वस्तु रखी है, और अगर आप लोग दोस्तों क्या इस डायरेक्शन में अगर इस पर बल लगाते हैं, तो आप लोग इसकी चाल में परिवर्तन ला सकते हैं। क्यों? जैसे कि मान लिया दोस्तों किसी भी रखी हुई है, रखी है तो उसकी चाल मान लिया 0 है, लेकिन आप लोगों ने इस पर कोई फोर्स लगाया तो इसकी चाल बढ़कर कुछ तो होगी। दिशा भी बदल सकते हैं बल लगाकर, अगर बल लगाएंगे तो इस वस्तु की दिशा भी बदल सकते हैं, क्योंकि पहले दिशा मान ली इधर थी, अब इसकी दिशा बढ़ाकर इधर कर दी गई है। आकृति में भी आप लोग बदलाव ला सकते हैं, तो इसलिए सभी विकल्प सही हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग का जैसे कि मान लिया कोई भी तरीके से कोई भी एक रबर की बॉल मान लीजिए, अगर आप लोग उसके बॉल में जो है अगर आप लोग प्रेशर लगाएंगे तो इसकी आकृति में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अच्छे सुचालकों में ढीले बंधे होते हैं न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन। कोई भी अगर अच्छा कंडक्टर होगा, अगर गुड कंडक्टर होगा, तो इसमें जो है ढीले बंधे होते हैं कैसे? न्यूट्रॉन जो ढीले बंधे होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ही जो होते हैं इसमें ढीले बंधे होते हैं, ठीक है, तभी इनका फ्लो अच्छी तरीके से हो पाता है। चलिए क्वेश्चन आईडी यहाँ पर देखते हैं आप 89 में। यूआरएल का असंक्षिप्त रूप क्या है? फुल फॉर्म बतानी है यूआरएल की दोस्तों। कोई भी वेबसाइट होगी, ठीक है, आपके ऊपर दोस्तों वेबसाइट के सबसे ऊपर जो है URL लिख गया, तो इसमें आपका लिखा होता है HTTP, ठीक है, /, फिर यहाँ पर पूरा एड्रेस लिखा होता है www.youtube.com, इस तरीके से कुछ लिखा होता है। तो इस URL की जो है फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर ये होती है, या फिर यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन होती है, या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन। तो ये होती है आप लोग की यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यानी कि आप लोग का राइट आंसर क्या आएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों आप बात करते हैं हमारी क्वेश्चन आईडी 90 पर, आपको क्या दे रखा है। समस्थानिक के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो है प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, या फिर रासायनिक अभिक्रियाशीलता। तो दोस्तों आपको बता दें फिलहाल इसका जो राइट आंसर ये है न्यूट्रॉनों की संख्या। कोई भी अगर समस्थानिक होगा तो उसके जो आधार होंगे, इसमें न्यूट्रॉनों के जो संख्या के जो आधार होंगे ये भिन्न भिन्न होते हैं। क्लोरीन परमाणु और क्लोराइड आयन, इनमें प्रोटीन की संख्या समान है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है समान रखते हैं, असमान संख्या में प्रोटॉन या फिर जल के साथ स्वतः अभिक्रियाशील होते हैं। तो क्लोरीन परमाणु और क्लोराइड आयन ये दोनों ही जो है प्रोटीनों की जो संख्या, इनको समान संख्या में रखते हैं। अगली क्वेश्चन आईडी आप लोग 92 में आप लोग देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है। वायु प्रदूषण निम्नलिखित में से किन पर हानि का प्रभाव डालता है? ठीक है, आपको यहाँ पर यह बताना है दोस्तों कि वायु प्रदूषण जो है निम्नलिखित में से किन पर हानिकारक प्रभाव डालता है? सजीव, निर्जीव, सजीव तथा निर्जीव दोनों, या फिर ना ही सजीव ना ही निर्जीव। तो आपको बता दें फिलहाल इसका जो राइट आंसर है ये है सजीव तथा निर्जीव दोनों ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? एक स्वास्थ्य बीमा योजना, एक वित्तीय समावेश योजना, एक जीवन बीमा योजना, या फिर एक दुर्घटना बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है आप लोग की एक दुर्घटना बीमा योजना। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया था? तो ये आविष्कार किया था टिम बर्नर्स ली ने। ठीक है,
अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सचिन तेंदुलकर ने अपना अंतिम टेस्ट मैच जो खेला था ये किस स्टेडियम में खेला था? वानखेड़े स्टेडियम, डी वाई पाटिल स्टेडियम, व्रेवॉर्न स्टेडियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सचिन तेंदुलकर की, तो इन्होंने अपना अंतिम टेस्ट मैच जो खेला था ये खेला था वानखेड़े स्टेडियम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी 96 पर देखते हैं आपको क्या दिया गया है। सूरज कुंड फरीदाबाद में आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक त्यौहार एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है, किसका? पुस्तकों का, शिल्प का, विज्ञान का, या फिर पशु का? तो दोस्तों सूरज कुंड फरीदाबाद में आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक त्यौहार का एक अंतर्राष्ट्रीय, ये एक आपका शिल्प मेला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का विजेता है? तो ये हैं आप लोग के साक्षी मलिक। ठीक है, साक्षी मलिक जो है 2016 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 98 आप लोग देख सकते हैं, अनब्रेकेबल दोस्तों क्या दिया गया आप लोग का, अनब्रेकेबल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैरी कॉम, अहमद फराज, विजय दसड़ा, या फिर कोई नहीं। तो अनब्रेकेबल नामक पुस्तक के जो लेखक हैं ये हैं आप लोग की मैरी कॉम, यानी कि आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। 1974 में भारत फिलिस्तीन लिबरेशन संगठन को फिलिस्तीनी लोगों का एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में पहचानने के लिए गैर अरब राष्ट्र बना, पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर चौथा? तो दोस्तों आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, हम लोग बात कर रहे हैं सन 1974 की, तो यहाँ पर भारत फिलिस्तीन लिबरेशन संगठन को फिलिस्तीनी लोगों का एकमात्र और यहाँ पर वैलिड जो प्रतिनिधि होते हैं इनके रूप में पहचानने के लिए पहला गैर अरब राष्ट्र बना। ठीक है, और आज का इस लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, या फिर पाकिस्तान? तो ये है आप लोग का मालदीव। दोस्तों यदि आपको आज की वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका मैथ्स का, रीजनिंग का पेपर भी सॉल्व करवाया जाए तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएगा, वीडियो कैसे लगी ये भी आप लोग बताएगा। फिलहाल आज की इस क्लास में इतना ही रखते हैं, ओके। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, और आप लोग इसकी जो है पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।